हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी आयशा अतीक। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट रजत दलाल, जो कि बिग बॉस 18 में बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही दमदार हैं और लाइक कोई भी मुद्दे की बात हो उस पर मतलब अपना पॉइंट रखते हैं और किसी से नहीं डरते, फेयरलेस होकर गेम खेलते हैं। मैंने तो बहुत उनकी तारीफ़ सुनी है। अब हम करेंगे उन पे रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। बट हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा रिएक्शन चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो नाउ लेट स्टार्टेड। नाम तो सुना ही होगा, मैं एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर था। जब मैं मेडल्स पढ़े ना तब किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, पर जब हाथों में हथकड़ियां पड़ गई ना तो सबने नाम सर्च भी करा और चीजें शेयर भी करी। बॉडी पे इन्होंने बहुत ट्रेन की हुई है, लाइक अच्छा है। विवियन के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो रजत दलाल ही है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रही बात खाने की, वो मैं बाद में देखता। अगर मेरे साथ ये चीज हुई होती, उसने खाना दे दिया, मैं खाना भी नहीं देता। या खेलते आप इनके साथ थोड़ी देर के लिए? नहीं भाई, मैं खेलता नहीं, मैं देता ही नहीं। खाना मांग ले कि नहीं, हाथ मत अंदर ले आना भाई। अब विलेन बोला है ना, विलेन बन के दिखाऊंगा एक एक लोग को। वास्तविकता के साथ जागो, शराब दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। नहीं देखा तो हाथ में से प्लेट उठा के डस्टबिन में डालने की हिम्मत भी रखता हूँ। तेरे पापों का हिसाब है। वो विलन समझ रहे हैं अपने आप को, 4, 5, 10, 15, 20 कैमरों में बच्चों के आगे हीरो बन गए। तेरा शराब पाए मैं 24 घंटे सोने नहीं दूंगा, चाहे खुद नहीं सोऊंगा। लिहाज बिल्कुल नहीं रखता, नो राज लिहाज किसी का नहीं रखते। राजा से ही पूछा कि आप क्या करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो भी इसके मन में है ये आदमी बोलेगा। ये चीज कभी कभार अच्छा है, लेकिन ऑल द टाइम हर वक्त ऐसी बातें फजूल मुंह पे रखना अच्छी बात नहीं है। मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन सही है। आपको मैंने क्या बोल रहा, निकलने से पहले आप मुझे बुलाएंगे? देखो मेरे को उंगली मत दिखाना भी, मैं उंगली नहीं छीलने वाला। उंगली फिर आपकी जेब में भी चली जाएगी। प्यार से तो सारे सोचते हैं उंगली दिखा रहे हैं, उंगली हाथ तोड़ के जेब में दे दूंगा। राजा बहुत बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए। मेरे को नहीं लग रहा, पर बिग बॉस मेरे लिए। लेकिन आप उन घर वालों के सामने बात कर रहे हैं जिनको विवियन के खिलाफ कुछ भी बोलने में डर लगता है। भाई साहब ये डरे, मैं किसी के बाप का लेके खा नहीं रहा। डरे बाहर नहीं, यहाँ कौन सा डरेंगे किसी से। खाने को मैं सब कुछ खा सकता हूँ, और मैं इतना बता दूं मैं गैस भी चालू कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा मेरे को। आप एकदम ललकार के बोलोगे ना कि इस घर में कोई कुछ कर लेना, मैं कर दूंगा वो नहीं चलता।
क्या ललकार के बोला मैंने? आपने अभी बोला था मैं गैस चला के दिखाऊंगा, कोई रोक सको तो रोक देना। आप मेरे को बता देना कब आप ये करके दिखा सकते हो, मैं रोक के दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं अंदर होऊंगा ना उस टाइम दिखाना कितनी बर्दादगी है आप बताओ। तो आपने बोला मैं ये कर दूंगा, आप कुछ नहीं पार सकते, बाल नहीं पार सकते जो इतने छोड़े हो रहे हो। इस घर में सर्वाइवल रोकेगा कोई तो मैं आगे आऊंगा और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो चीज बोली आने की जायज है, पर अगर ये बोली कि कोई नहीं रोक पाएगा तो बहुत कुछ रुक सकता है। डिमेंडिस है ना, अगर गैस चलाना बंद है और आप बोल रहे हो ना कि मैं चलाऊंगा तो आप चला के दिखा देना, हाथ चढ़ा के मैं दिखा दूंगा। यहाँ आप अगर शब्द देते हो मैं एक बार का खाना रोक के दिखा दूंगा जब मैं रोक के एक टाइम का भी रोक के दिखाना। चल देखिए बिग बॉस कलर्स ऑफ जियो सिनेमा पर। सीधा सीधा बोलूंगा, मैंने सबसे एंड में इसलिए उठाया है क्योंकि मेरे पास कहीं ना कहीं एक वाजिब रीजन हर इंसान के लिए है। बात यहाँ पे दो गुड्डों की थी इसलिए मैंने झटके से लिया है, क्योंकि दो बंदों में मेरे को ऐसा लग रहा है आर्विन भाई ज्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं, क्योंकि दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ चुम बहुत शांत है जितना मेरे को दिखता है, और कहीं भी कोई बात हो तो वो डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखती, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखी नहीं। अगर वो अपने ज्यादा काम करती है, काम करना एक अलग चीज है, फैसले लेना एक अलग चीज है। हमें बर्गर नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। So that's it for my today's reaction video. Hope so you like it. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. और रजत दिलाल अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बहुत फेयरलेस है, ठीक है, मगर समटाइम ना बहुत ज़्यादा ही बोल जाते हैं, बहुत ही अजीब लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और विवियन दसेना मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है या ये गलत है, दोनों ही समटाइम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये एक रियलिटी शो है और ये सब इतना ठीक है, लोगों को मज़ा आता है यही सब चीज़ें देखने में, लोग देखता भी यही सब कुछ जाते हैं, बट आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इतना भी नहीं होना चाहिए, बंदे को थोड़ी सी लिहाज वगैरह रख लेनी चाहिए, विवियन दसेना को भी और इनको रजत को भी। सो दैट्स ऑल फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे वीडियोज देख के ठीक है एटीट्यूड है और जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा है। मे बी आप में से उनके बहुत सारे फ़ैन होंगे जो जाके अब कमेंट में खूब सुनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं होना चाहिए, इंसान को ना थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर रखनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज रिएक्शन वीडियो, होप सो यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।